हेलो, हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। आवश्यक में कॉन्सेप्ट कम बचे हैं, मतलब स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट कम बचे हैं, मतलब रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं मिसलेनियस, है ना। जरा करते हैं जरा उनको, है ना। इसमें आते हैं रेवेंस क्वेश्चन पर, ठीक है। इलेवेंथ क्वेश्चन को रीड करो, पॉज करके एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक समझ ना आ जाए क्वेश्चन खुद से, तब तक उसको रीड करो, ठीक है। आई थिंक आपने रीड कर लिया पॉज करके, है ना। आपको समझ में भी आ गया क्वेश्चन, मैं जरा आपको समझा दूँ मैं क्या समझा सकता हूँ। इन एन इलेक्शन इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो लोगों को इलेक्शन में खड़े हुए, दो लोग इलेक्शन में खड़े हुए, वन कैंडिडेट इज सिक्योर्ड 58% ऑफ द वोट्स होल्ड, तो एक इंसान ने क्या किया, 58% वोट्स, एक इंसान को 58 वोट्स मिले, 58% वोट मिले, 58% वोट मिले, ठीक। अब वो इंसान कितने वोट्स जीता, एंड वॉन द इलेक्शन 18,336 वोट, और वो 18,336 वोट से जीत चुका था, इतने वोट से जीत चुका था। फाइनल टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ पोल्ड एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय इच कैंडिडेट, अब वो पूछ रहा है फाइनल टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। सर कितने वोट्स पोल किए गए थे, तो ये था टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताओ। पहले तो ये बता रहा टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल कर बताओ कितने थे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर आप बता दोगे, फिर ये बता देना कि हर एक कैंडिडेट ने कितने सिक्योर किए, यानी हर एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले, कैसे करोगे ये। कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, बताओ कैसे करोगे। सब पता नहीं बेटा, ऐसे एक एग्जांपल हो रहा है। आप चाहते हो कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं, तो आप ये क्वेश्चन एग्जांपल भी कर सकते हो। इससे पहले एग्जांपल 4 सेम वही लैंग्वेज है, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको ताकि आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल सके। जैसे इसमें भी क्या लिखा हुआ है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो लोग हैं इलेक्शन में खड़े हुए हैं, एक कैंडिडेट ने 43% क्या किया है, वोट सिक्योर किए हैं, ठीक है। और ये इंसान जीता नहीं है, ये इंसान जीता नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में इंसान वो जीता था, यहाँ पे जीता नहीं, यहाँ पे हार, और ये 49% वोट से हार चुका है, और ये 49% वोट से हारा है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वोट्स, सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता कर रहे हैं, वो सब कैसे करेंगे सोच लेना। एग्जाम्पल 4, पर दो लोग थे, दो लोग
दो लोग थे, ए और बी, ए और बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी। ये दोनों इलेक्शन में खड़े हुए, ये दोनों इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है। ए को मिला 43% वोट, कितने हैं 43% है ना, इसमें से इसको मिले हैं 43% वोट। इसको वोट कितने मिले हैं, 43% इसको वोट्स में मिले हैं। तो 43 वोट्स ऑफ वॉट, टोटल टोटल जितने वोट लोगों ने डाले तो टोटल में से 43% तो इसको मिले हैं, 43% तो इसको मिले हैं। तो सर इसको कितने मिले होंगे, सर इसको कितने मिलेंगे, दो लोग हैं सर, अगर इसको 43 मिले हैं तो रिमेनिंग इसको मिले होंगे, तो टोटल 100% वोट है, तो 100 में से 43 अगर इसको मिले हैं तो बाकी किसको मिले होंगे, ऑब्वियस सी बात है 100 है, 100 दो लोगों में डिवाइड हो जाएंगे, एक इस एक हिस्सा इसके पास जाएगा, एक हिस्सा इसके पास, अब कितना कितना किसके पास जाएगा तो वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन कह रहे थे एक इंसान इसको 43% मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, एक को 43 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, रिमेनिंग को रिमेनिंग कैसे निकालोगे, रिमेनिंग कैसे निकालोगे, टोटल 100% वोट थे, 100 में से 43 दूसरे को मिल चुके हैं, तो सर इसको कितने मिलेंगे आप, फिफ्टी सेवन परसेंट इसको मिले, 57% इसको मिले, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये बेचारा जी हार चुका, ये बेचारा ना हार गया, तो उसका मुंह देख कैसे लटका हुआ है, ये बेचारा हार जाता है, ये बेचारा हार जाता है, ये बेचारा हार जाता है, लॉस्ट। हार जाता है सर, लॉस्ट टू द इलेक्शन बाय 4900 वोट्स, यानी इसको 14 वोट से हार जाता है, 14 वोट से हारने के बाद इसको 4900 वोट्स कम मिलते हैं, इसको 4900 वोट्स कम मिलते हैं, लॉस्ट बाय 49%, 4900 वोट्स, इसको 1400 वोट से कम मिले, इसको 1400 वोट से कम मिले, सर किससे कम मिले, इससे दूसरे से, यानी इस बी को इससे कम मिले, इस बी को इससे कम मिले, तो भी हारेगा, बी कब हारेगा सर, बी को कम वोट्स मिले इससे, तभी तो। अगर कितने कम मिले, इसको कितने कम मिले, सर कितने कम मिले, ऐसे यहाँ पर से देख सकते हैं क्या हम, सर इसको 57% मिले और इसको 43 मिले, यानी कि सर 7 - 3 = 4, 5 - 4 = 1, कैसा हम ऐसा कह सकते सर, लॉस्ट बाय 2 तरीके कहने के सर, नंबर्स के टर्म्स में देखा है तो सर 1400 वोट्स हो गए, परसेंटेज टर्म्स में देखा है तो हम कह सकते हैं 14% से हार गए, इसको 14% कम मिले, इसको 14% क्या मिले, 14% कम वोट मिले, इसको 14% कम वोट मिले एज कम्पेयर टू ए, बी को 14% वोट कम मिले एज कम्पेयर टू ए, और ये लिखा हुआ है कि बी को 1400 वोट्स कम मिले एज कम्पेयर टू ए, 1400 वोट से हार जाना, हार जाने का मतलब है कि आपको उससे कम मिले, आपको जब कम मिलते हैं इलेक्शन तभी तो हारते हो, तो यानी कि आपको ये दे रखा है कि आपके जो नंबर्स में देखे तो नंबर्स में तो नंबर्स में जितने वोट्स कम मिले उनकी वैल्यू है 1400, और परसेंटेज में जितने वोट्स कम मिले उनकी वैल्यू क्या है 14%। तो क्या आप यहाँ से टोटल निकाल सकते हो, तो पहले से इन दोनों का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो 14% ऑफ टोटल वोट, आप टोटल वोट्स का 14% आपको नहीं मिला ना, क्यों टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे उसमें से अगर आपको 14% एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो आप जीते आते हैं सर, 53 तो आपको, 43 तो आपको मिल ही चुके थे, इस बी को 43 तो मिल चुके थे, अगर इसको 14% मिल जाते तो ये जीत जाता बेचारा, पर इसको 14% नहीं मिले,
14% ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट्स। और सर इनकी वैल्यू क्या है, 14% की वैल्यू क्या है सर, 1400? तो ये मैंने एक आपको स्टेप्स लिखवाए थे, इसमें ध्यान हो तो आपको, इसमें सर थर्ड स्टेप क्या था कि आपको इक्वेशन बनाना है, सेकंड स्टेप क्या था आपको इक्वेशन बनाना है, सेकंड थर्ड स्टेप था आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना है उसका जिसकी आपको वैल्यूज दी हुई है, और परसेंट नंबर्स में भी और परसेंटेज में भी, नंबर्स में भी और परसेंटेज में भी, वो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया है। तो टोटल वर्ड्स पता करें, टोटल वर्ड्स तो है नहीं हमारे पास, तो इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, और इसका हो जाएगा 14% ऑफ टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू 4900 है ये, इसको सॉल्व कर लो। देयरफॉर इसको सॉल्व करना, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 4500, 35000 सॉरी। टोटल वर्ड्स कितने हो गए, टोटल वर्ड्स मतलब हमेशा एक्स एज्यूम किया था, एक्स की वैल्यू अभी भी क्या ही है 35000। क्या आपको क्वेश्चन ये पूछा था, यही पूछा था। अब मैं एक क्वेश्चन ना पूछा हूँ, अब मैं ये पूछा था बी ने कितना स्कोर किया, बी ने कितने वोट सिक्योर किए, बी ने कितने सिक्योर किए हैं, बी सिक्योर, बी ने कितने सिक्योर किए। सर ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं, अरे यहाँ पे नहीं पूछा, एग्जाम्पल में नहीं पूछा, पीछे तो पूछा है, पीछे जो क्वेश्चन दिया वहाँ पे पूछा हुआ है, तो वो वाला तो आपको कैसे करोगे। तो बी ने सिक्योर कितना है, 43% है, 43%, तो 43% ऑफ वॉट, तो टोटल का 43% स्कोर क्या है उसने, तो 43% ऑफ टोटल वोट्स, टोटल यानी कि टोटल ही लिख लो, भूल जाओगे बात में कि 35000 कैसा है ऑफ टोटल वोट्स, ऑफ टोटल वोट्स। तो ये कैसे होगा 43% ऑफ 35, अरे 3500, इसको सॉल्व कर लेना, इस पूरे को आपके पास आ जाएगा 15050, 15050 वोट्स। बी ने कितने सिक्योर किए, 15050 वोट्स उसने बी ने सिक्योर किए, और सर ए का बता दो, ए का भी ऐसे निकलेगा, ए ने 53 किए, 43 किए, 57 किए, सर उसने 57 सिक्योर किए, 57%, 57% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल वोट्स, ऑफ टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स को शॉर्ट में लिखा टीबी, तो निकालो जरा 57% ऑफ टोटल वोट्स। ये आपका आएगा 1999, फाइव जीरो वोट्स, यानी कि सर ए को कितने वोट्स मिले, ए को वोट मिले हैं इतने, अभी को कितने मिले हैं इतने, इन दोनों में अगर डिफरेंस भी देखोगे, इन दोनों में डिफरेंस तो क्या आना चाहिए लॉजिकली, इन दोनों में अगर डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना तो आपको, आप बी को कितने कम मिले, बी को मिले 1400, अगर हम दोनों को माइनस 1400 ही आएगा, अब माइनस करके देखो 1400 ही वोट्स आएंगे, और जबकि बुक में भी क्या कह रहा है, बुक में भी क्या कह रहा है कि इसको कितने वोट्स कम मिले, इसको कितने वोट्स कम मिले हैं, 1400 वोट्स कम मिले, प्रूफ भी हो गया, प्रूफ भी हो गया कि हाँ
सही है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया, हमने देखा स्टेप वन, हमने देखा कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमने तो वो पता किया, ठीक है। अब पता क्या कि हमसे क्या पता करना चाह रहा है, पता कि हमने हमसे क्या पता करना चाह रहा है, ये कौन सा तो रिमेनिंग परसेंटेज वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमने पता क्या करना चाह रहा है, हमसे पता करना चाह रहा है ये टोटल वोट। तो हमने पहले सारे परसेंटेज वाले वाली वैल्यूज लिखी, सारी परसेंटेज वाली वैल्यूज हमने लिखी, ठीक है। तो हमने ये परसेंटेज दिया होता तो लिख लिया, तो हमने ये दिया नहीं तो हमने निकाल लिया था रिमेनिंग परसेंटेज लगाकर, ठीक है। फिर हमें कहा कि हम फिर हमने देखा क्या क्या हमें वैल्यूज दे रखे हैं, तो हमने देखा कि इसमें कम वोट्स के नंबर दे रखे हैं, कि हमें कितने कम वोट्स मिले, बी को जो हारा इंसान उसको कितने कम नंबर ऑफ वोट्स मिले, तो उसको 1400 नंबर कम, 1400 वोट्स से थोड़े कम मिले थे, क्या मिले थे, कम मिले थे जीतने वाले से। और हमने देखा परसेंटेज के टर्म्स में, देखो उसको परसेंटेज के टर्म्स में कितने कम मिले हैं, तो परसेंटेज के टर्म्स में हमने निकाला कि ये 14% कम मिले हुए हैं। बस अब क्या, आपके पास एक नंबर एक चीज़ है, और एक चीज़ की आपके पास दो तरह से वैल्यू है, परसेंटेज में भी वैल्यू है और नंबर्स में भी वैल्यू है। बस तो क्या करना है, अब इक्वेशन बना देना है उसका, अब उसका इक्वेशन बना कर आपको सॉल्व कर देना है, आपको हो जाएगा इजीली। तो मैंने 1400 को इक्वेशन बना दिया, सर 1400 क्या हो गया, फिर से 14% हो गया टोटल वर्ड्स का, और टोटल वर्ड्स पूछा ही था तो उसको एक्स मान लिया, इक्वेशन सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 बन गया। और एक्स्ट्रा चीज हमने क्या सिक्योर कर वो सॉल्व कर ली कि बी ने कितना स्कोर किया और बी ने कितने वोट सिक्योर किए और ए ने, तो वो कैसे लगाओगे सर, वो जितने परसेंटेज दिए हैं वो कर दो आफ्टर टोटल वोट, आफ्टर टोटल वोट हो गया, ठीक है। एक तो आपका था फोर्थ वाला, एक तो आपका था फोर्थ वाला, तो ये वाला आपका एक जो एग्जाम्पल होगा ये कैसे होगा, 11th वाला, 11th है ये, अभी कौन सा था हमने देखा, ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इसी तरह से होगा। बस यहाँ पर सब इंसान हारने के वोट्स देते हैं, यहाँ पर जीतने के वोट्स दिए हुए हैं, तो ये डिफरेंस निकालना कि ये कितने कितना डिफरेंस आ रहा है। सर अगर ये 58 है तो दूसरे इंसान को कितने मिलेंगे, 42, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 42 दूसरे इंसान के वोट आएंगे, 100 - 58 करके 42 आएगा वो, और दोनों के साथ डिफरेंस निकालोगे तो 42 और 58 16% का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि आपका ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये 16% के बराबर है, किसके बराबर है ये 16% के बराबर है। ये इक्वेशन बना लेना, आपके वैल्यू आ जाएगी, आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे 1,14,600, और जब आए तो हर किसी ने कितने सिक्योर किए वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल फोर्थ का है सेम, तो एग्जाम्पल फोर्थ तो उसको कर ही लेना, और इसके बाद ये वाला करना, पहले 12th वाला करना, बाद में 11th वाला करना, ठीक है। 14th वाला पढ़ते हैं, इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन द पास मार्क इज 40%, एक एग्जाम होता है वहां पर पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, कम से कम आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं कम से कम, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट गेट्स 65 मार्क्स एंड फेल्स बाय 33 मार्क्स, यानी कि सब वो कह रहा है, अब एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है वो ना 65 मार्क्स उसको मिलते हैं बेचारे को, और 65 मार्क्स मिलने के बाद भी वो फेल हो जाता है, सर कितने नंबर कम रह जाते हैं उसके, तो 40% चाहिए होते हैं, यानी कि इसने 40% कम सिक्योर किए होंगे तो फेल हो गया, यानी सर इसके 40% सिक्योर नहीं कर पाए तो कितने नंबर कम रह गए, कितने नंबर कम रह गए इसके, ये फेल हो गया। तो ये कह रहे हैं सर 3 नंबर से फेल हो गया, 3 नंबर से फेल हो गया, 3 नंबर से फेल होने का मतलब क्या, इसको 3 नंबर मिल जाता है पास हो जाता है, यानी कि सर अगर 65 है, 65 + 3 और मिल जाता है पास हो जाता है, यानी कि अगर इसको 68 मार्क्स मिल जाते तो 68 मार्क्स मिलकर वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब पास का मतलब क्या है कि हाँ ये 40% ये सिक्योर कर लेता, यानी के यानी कि ये 40% ये आराम से सिक्योर कर लेता है ना। तो इक्वेशन बना दो, तो इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया 40% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 68,
टोटल मार्क्स आपसे पूछे हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछे हैं, तो इसको एक्स मान लो और यहाँ पे 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 68, इसको सॉल्व कर लेना। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 170 आ जाएगी, ठीक है, नोट कर लो। आपकी ए एक्सरसाइज कंप्लीट, आपकी ए एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। नहीं अभी नहीं हुई, अभी नहीं, अभी नहीं हुई। 15th वाला क्वेश्चन हो रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, इफ द पास परसेंटेज वाज 35%, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। आई 14th वाले की तरह ही है सर, एक एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स चाहिए थे कम से कम, लेकिन बेचारा कैंडिडेट फेल हो गया। सर फेल होने का मतलब क्या है कि उसको 35% उसको नहीं कर पाया, अगर 35% कर लेता तो वो पास हो जाता, 35% भी नहीं कर पाया इसलिए फेल हो गया। सर उसको कितने नंबर मिले, कितने नंबर कम रह गए, सर 15 मार्क्स, यानी कि सर इसको 15 नंबर मिल जाते तो ये पास हो जाता, यानी कि 125 प्लस 15, यानी कि 140 नंबर अगर उसको मिल जाते तो ये पास हो जाता, पास हो उसको 35% स्कोर कर लेता। तो ये वाला ऊपर वाला तरीका लगा देना इसमें, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये तरीका क्या हो जाएगा, 135 इज इक्वल टू पास, यानी कि ये बराबर होता 35% मार्क्स के। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ 150 क्वेश्चन, सर एमसीक्यू हो रहा है आपका जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, तो कह रहे जॉन गॉट 80% करेक्ट आंसर, जॉन ने 80% करेक्ट किया आंसर, ठीक है, और मोहन ने 64% करेक्ट किया आंसर। तो प्रत्येक देख लो मोहन ने और जॉन ने कितने कितने सही आंसर किए हैं। तो जॉन के टोटल जॉन के नंबर्स बताओ, नंबर्स मतलब सर ये तो परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ ना, परसेंटेज के टर्म्स में तुमने 80% करेक्ट किए हैं, मेरे को बताओ आपको नंबर्स के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में अगर देखो जॉन ने कितने किए, 80% 80% ऑफ 150 निकालो, 150 का 80% निकालो तो वो आएगा आपको 120। सर ये क्यों निकाल के रख लो, नीचे हेल्प मिलेगी उससे। और मोहन को कितने मिले, 60% 64 64, तो 150 का 64% निकालो जरा, 96, ठीक है। आप रफ पे सॉल्व करते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब अगर हाउ मेनी करेक्ट आंसर डिड ईच गेट, अरे ये लो ये तो फर्स्ट का तो आंसर हमने कर ही दिया, फर्स्ट का तो आंसर हमने कर ही दिया, ये लो हमने दोनों को बता दिया। फिर कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मोहनस करेक्ट आंसर टू जॉनस करेक्ट आंसर, अच्छा वो कह रहा है मोहन के करेक्ट आंसर का जो परसेंटेज है ना वो कितना परसेंटेज जोहन जॉन के करेक्ट आंसर से, मोहन के आंसर का परसेंटेज कितना है जॉन के आंसर से, तो ऊपर कैसे इसको कैसे लिखोगे पता है, 120 सर मोहन के नंबर पूछे ना पहले, तो मोहन सॉरी मोहन का नंबर कितना है, सर मोहन का है 96, 96 मोहन को कितने नंबर मिले, 96 96। आउट ऑफ वो बोला है कि आउट ऑफ टोटल मत बताओ, ये था जॉन्स की कंपैरिजन, जॉन के कंपैरिजन में तो जॉन को टोटल कितने मिले हैं, 120, 96 आउट ऑफ 120, सर परसेंटेज लगाना है इनटू 100, तो सॉल्व कर लो, ये आपका आएगा 80%, ये आपका आएगा 80%, यानी कि मोहन ने जॉन का 80% सिक्योर किया है, मोहन ने जॉन का 80% सिक्योर किया है, ठीक है, ये भी आपको हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई पूरी, ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई पूरी, ठीक है।